सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, मोतीलाल ओसवाल के अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो कुछ सालों पहले करीब 2018 के आसपास ये शेयर करीब 1600 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नजर आता था, लेकिन समय के साथ इसमें गिरावट होती चली गई और लॉकडाउन के पहले की अगर हम बात करें यानी मार्च 2020 में तो ये शेयर करीब 800-900 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता था, लेकिन लॉकडाउन में इसमें भी काफी ज्यादा गिरावट हो गई और इसने करीब 450 रुपए के आसपास का लेवल यहां पर बना दिया। उसके बाद इसमें तेजी देखने को मिली और आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हुआ था, जो कि करीब 4-5 वीक पहले ही यहां पर देखने को मिला था, जो कि यहां पर आप देखें जो पिछला जो लॉकडाउन के पहले का यहां पर हाई था उसको यहां पर इसने ब्रेक किया था और यहां बुलिश कटाना कैंडल बनी थी। उसके बाद इसमें शानदार तेजी हुई और इसने करीब 1200 रुपए के आसपास का लेवल भी यहां पर टच किया था, लेकिन मार्केट में जो प्रेशर की सिचुएशन हुई उसके कारण ये लगातार 4-5 वीक से जो तेजी हुई थी उसके बाद से ही ये गिरता हुआ नजर आया है और आप देख सकते हैं अभी इसका प्राइस करीब 787 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि यहां पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि मार्केट में जो गिरावट की सिचुएशन थी वो मुझे लगता है कि बहुत हद तक यहां पर खत्म होती हुई नजर आ रही है और यहां पर आप देख सकते हैं शेयर अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप चार्ट पर साफ साफ यहां पर देख सकते हैं सपोर्ट के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर खरीदने की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आप देखें कि पिछले 5 वीक की अगर बात करें तो यहां पर ये 1200 रुपए से करीब 800 रुपए के आसपास यानी 787 रुपए के आसपास तक गिरता हुआ नजर आया, यानी कि इसमें काफी ज्यादा पिछले कुछ वीक्स में गिरावट यहां पर होती हुई नजर आई है। तो उस गिरावट का फायदा आपको हो सकता है और इस गिरावट में शेयर को खरीद कर और यहां पर मुनाफा कमाया जा सकता है। और देखिए यहां पर लक्ष्य की अगर बात करें तो पहला लक्ष्य तो जो यह हाई बना चुका है यही होगा, यहां पर पहला लक्ष्य आना चाहिए 1200 रुपए के आसपास का, और दूसरे लक्ष्य की अगर बात करें तो दूसरा लक्ष्य भी यहां पर काफी बड़ा है, जो कि करीब 1600 रुपए के प्राइस पर हमें दिखता है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने खरीदा और 3-4 वीक में ही आपको ये देखने को मिल जाए। देखिए वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट आपको समझते ही होंगे कि हम जब देखते हैं, जब हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 6 महीने 1 साल के लिए करना होता है तब हम वीकली चार्ट देखते हैं और यहां पर आप देखें वीकली चार्ट में काफी बढ़िया यहां पर सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहां पर ब्रेक किया था उसके बाद नीचे आया और सपोर्ट जोन के आसपास ये यहां से रिबाउंड करता हुआ नजर आ सकता है और यहां से नीचे गया तो आपको यहां पर एक सपोर्ट जोन दिख रहा होगा, यहां तक भी ये जा सकता है, तो यहां तक इस शेयर में और ज्यादा खरीदारी की जा सकती है। बाकी कंपनी काफी बढ़िया है और यहां पर कंपनी काफी बढ़िया परफॉर्म भी कर रही है, लेकिन जो मार्केट में प्रेशर की सिचुएशन है उसके कारण इसके शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो कंपनी है ये जो शेयर है काफी शार्प यहां पर मूवमेंट देता है। आप यहां पर देखें जो गिरावट हुई थी काफी तेजी से यहां पर गिरावट हुई थी और जब ये ऊपर गया तो काफी तेजी से ये ऊपर भी जाता हुआ नजर आता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये ऊपर गया था शार्प नीचे आया है, उसके बाद इसमें तेजी देखने को मिल सकती है और एक अगले पड़ाव तक जाने की कोशिश कर सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात यहां पर आपको बता दूं कि वॉल्यूम्स काफी बेहतरीन बनते हुए नजर आए हैं पिछले कुछ वीक्स में। हालांकि जो गिरावट हुई है उसमें वॉल्यूम्स थोड़ी कम हुए थे, लेकिन आप देखें जो पिछले वीक करंट वीक था उसमें ही यहां पर वॉल्यूम्स ठीक ठाक बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए यहां पर वॉल्यूम्स भी काफी बढ़िया है और निश्चित रूप से शेयर में खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन निश्चित रूप से आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप खरीदें और कुछ नीचे और जाता है तो और खरीदने की कैपेसिटी भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में प्रेशर की सिचुएशन है, ऑब्वियसली नीचे जा रहा है, सपोर्ट जोन के आसपास है, तो
तो और नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर आप इसमें वेट करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आपको 1600 रुपये तक के लेवल काफ़ी जल्दी, यानी एक साल का अगर हम टारगेट लें तो इसमें आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये आपके लिए शेयर है जो काफ़ी बेहतरीन है, गिरावट में इसमें खरीदारी करना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है। अब देखिए इसमें आप कुछ भी करते हैं तो ये आपकी अपनी रिस्क होगी, प्रॉफिट लॉस कुछ भी होगा उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। और यहाँ पर मैं केवल अपना एडवाइस दे रहा हूँ कि मैं शेयर के बारे में क्या सोचता हूँ और चार्ट पर क्या रुझान बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक बार आपको खुद की एनालिसिस भी जरूर करना है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।